अभी एज वी सेड दैट पार्टनरशिप अराइजेज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? पार्टनरशिप कहां से अराइज होता है? आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. और ये कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर का हो सकता है? द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. व्हेन वी से एक्सप्रेस मतलब इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल और इट कैन बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दी पार्टीज. बट प्रैक्टिकली आज के दिन में अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है ना, तो ओरल या इम्प्लाइड से पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा. यू नीड टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट इन प्लेस टू डू अ पार्टनरशिप बिजनेस. व्हाई? बिकॉज बिजनेस चालू करने के लिए हमें ट्रेड लाइसेंस चाहिए, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में रजिस्ट्रेशन चाहिए, राइट? और ये सारी चीजें करने के लिए वो हमारे से पार्टनरशिप डीड का कॉपी मांगते हैं. तो जो रिटन डॉक्यूमेंट बनेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा पार्टनर्स के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड, राइट? व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स नोन एज पार्टनरशिप डीड. ये जो पार्टनरशिप डीड है, ये क्या लेआउट करता है? इट लेज आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स. पार्टनरशिप क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, के पार्टनर्स ने अपने बीच में क्या म्यूचुअल अग्रीमेंट बनाया है. वो कहां से पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा फ्रॉम द पार्टनरशिप डीड. तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनर्स के बीच का अग्रीमेंट. व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड? पार्टनर्स के बीच का अग्रीमेंट. ये पार्टनरशिप डीड कैसा रहेगा? इट विल बी इन राइटिंग, इट विल बी इन राइटिंग. और यहां पे पार्टनरशिप डीड के क्या कॉन्टेंट्स रहेंगे? पार्टनरशिप डीड का कॉन्टेंट्स रहेगा द म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द पार्टनरशिप डीड. सो देखो, बेसिकली अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, राइट? इफ यू वॉन्ट टू एंटर इन टू अ पार्टनरशिप विद समबडी, ऑब्वियसली आज के दिन में हम इंसिस्ट करेंगे कि एक रिटन पार्टनरशिप डीड बने, सो दैट फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना रहे. तो ऑब्वियसली उस डीड में आप क्या मेंशन करोगे? सबसे पहले आप मेंशन करोगे कि भाई आपके पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या रहेगा. ऑब्वियसली लिखोगे ना कि किस नाम से आप बिजनेस करोगे. सारे पार्टनर्स के नाम उस पार्टनरशिप डीड में लिखे जाएंगे कि कितने लोग पार्टनर्स हैं, क्या बिजनेस करोगे, कहां पे बिजनेस करोगे, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस एंड दी प्लेस ऑफ बिजनेस आप यहां पे मेंशन करोगे. आप वहां पे मेंशन करोगे कि वेदर दिस पार्टनरशिप इज एट विल, वेदर दिस पार्टनरशिप इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड और वेदर इट इज फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर, मतलब नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में आप मेंशन करोगे. उसके बाद आप वहां पे मेंशन करोगे कि हर एक पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा. आप मेंशन करोगे कि भाई हर एक पार्टनर का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा. जो बैंक अकाउंट हम पार्टनरशिप का खोलेंगे वो किस तरह से ऑपरेट होगा, पार्टनर्स का एडमिशन किस तरह से होगा, पार्टनर्स का रिटायरमेंट किस तरह से होगा, किस तरह से फर्म का डिसोल्यूशन होगा, राइट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, राइट? जितने भी पार्टनरशिप रिलेशन में पॉइंट्स है सारे उस डीड में आप डॉक्यूमेंट करोगे. सो दिस विल मेजरली बी द कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड. एब्सोल्युटली क्लियर? तो पार्टनरशिप डीड क्या है? इट्स अ रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, राइट? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. ये क्या लेआउट करता है? द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द पार्टनरशिप हैज बीन मेड. सो पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट. पार्टनरशिप क्या है? इट्स अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट. नो पर्टिकुलर फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड. इट मे बी इन राइटिंग, इट मे बी वर्बल. बट क्या प्रैक्टिकली आज के दिन में वर्बल पॉसिबल है? नहीं. इट इज डिजायरेबल टू हैव पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स. द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेन्स द वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस as to the relationship of the partners with each other, which is known as the partnership deed. वो document जहां पे partners के बीच के terms and condition, the basis on which the partnership has been made, right, has been mentioned, is known as the partnership deed. It should be drafted with care and be stamped. हम लोग किसके ऊपर partnership deed बनाते हैं? It is made on a stamp paper, right? Requisite value के stamp paper के ऊपर partnership deed बनाई जाती है. और जब partnership comprises of an immovable property, right? उसको हमें registration act के अंदर register भी कराना होता है. So what is a partnership deed? It contains the written terms and condition agreed between the partners. It should be stamped. When the partnership involves immovable property, it should be registered under the Registration Act. अभी हम बात करेंगे contents of partnership deed. देखो बहुत logical है.
आप पार्टनरशिप डीड में क्या डालोगे? आपके पार्टनरशिप फर्म का नाम, सारे पार्टनर्स का नाम, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, किस दिन से पार्टनरशिप कमेंस हुई, व्हाट इज द ड्यूरेशन, वेदर इट इज एट विल, इट वेदर इट इज फॉर फिक्स्ड पीरियड, वेदर इट इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फिर आप कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा हर एक पार्टनर, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन रिटायरमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ड्रॉइंग, प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, राइट, सैलरीज, कमीशन जो मिलेगा अगर किसी पार्टनर को निकालना है, अगर वो कुछ गलत काम कर रहे तो किस तरह से निकालोगे, एंड दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट, मतलब ये पूरा लिस्ट नहीं है। एक्चुअल लाइफ में इतने तो मिनिमम पॉइंट रहते ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट रहते हैं डिजायर्ड बिटवीन दी पार्टीज।